नमस्ते, मेरा नाम त्रिजल दिलार्च है। मैं छठी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाथू है। मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम बाथू है। मुझे शुरू से ही सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। धनी रे सा धनी रे सा ऐसे आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना। नए जगत से मैं रविंद्र दी महान प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाथू जिला ऊना किसने कितना है दम की टीम का अपने विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आपकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे विद्यालय के छठी कक्षा के छात्र त्रिजल को अपने कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। ऐसे मौके बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी के क्षण है। इस बच्चे के पिता श्री नरेश कुमार जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ललड़ी में एस JBT कार्यरत है। उन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा को निखारने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि पहली से पांचवी तक ये बच्चा प्राइमरी स्कूल ललड़ी में पढ़ा है और इस वर्ष इस बच्चे ने हमारे विद्यालय में छठी कक्षा में एडमिशन लिया है और मुझे भी इस विद्यालय में आए अभी 1.5 महीना हुआ है और मैंने इस बच्चे को बहुत नज़दीक से देखा है। ये बच्चा हर एक एक्टिविटी में बहुत होशियार है, हर एक एक्टिविटी में भाग लेता है, बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, तो ये बच्चा आगे जाकर बहुत ऊंचाइयों को छुएगा ऐसा मेरा विश्वास है। ये
कक्षा में पढ़ाई में भी अव्वल है, इसको गाने बजाने का बहुत शौक है बच्चे को। उसके साथ साथ ये बच्चा कभी भी विद्यालय में लेट नहीं आता है, कभी छुट्टी नहीं करता है। ये इसकी गाने बजाने में बहुत रुचि है और कोई भी विद्यालय में कंपटीशन होता है तो ये आगे बढ़कर अपना नाम टीचर्स के पास देता है कि मैडम या सर मैं इस कंपटीशन में भाग लूंगा। इससे पहले अंडर 12 जो गेम्स या प्राइमरी लेवल पर होती है उसमें बच्चे को अलग अलग प्रतिभाओं में भाग लेने का मौका मिलता है, तो इस बच्चे ने सोलो सॉन्ग में वहां पर भाग लिया और ये दो बार जिला स्तर पर इसने भाग लिया, दो बार जिला स्तर पर ये दूसरी पोजीशन इसने हासिल की है और राज्य स्तर पर भी इसने चौथी पोजीशन हासिल की है। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा बच्चा हमारे पास आया है और इस बच्चे से हमारे स्कूल का मान सम्मान भी बढ़ा है। तो अब ये बच्चा के कार्यक्रम में ग्रांड फिनाले में भाग लेने जा रहा है, तो मैं इस बच्चे को अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और अव्वल रहे वहाँ पर, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो एक बार फिर मैं आपकी टीम का इस बच्चे को ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है वो है 36 के आवाजिया गुणखंड। किसके द्वारा बनाएंगे गुणखंड? वृक्ष के द्वारा। फैक्टर ट्री ऑफ 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे मैंने लिखा है 36, तो एक मेरे पास नंबर आ गया 9, तो आपने मुझे बताना है यहां पे सेकंड वन नंबर कौन सा होगा। हाँ, यस त्रिजन 4, वेरी गुड, 9 4 जा 36। तो आगे भी इसके गुणखंड हो सकते हैं 9 के? यस, बताइए कुछ बोलो। हाँ, 3 × 3, 3 × 3। अब मेरे पास कौन सा नंबर है जो अभी भी प्राइम नंबर नहीं है? 4, कौन सा है? 4, यस, आप बताइए। 2 × 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 × 3, 2 × 2, तो 36 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं अभाज्य गुणनखंड वो है 2 × 2 × 3 × 3। तो ये आ गया हमारे पास 36। मेरा नाम अमिता शर्मा है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाथू ब्लॉक हरोली जिला ऊना में भाषा अध्यापिका के पद पर कार्यरत। त्रिजल की मैं क्लास इंचार्ज हूँ। त्रिजल बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ाई में हमेशा बढ़ चढ़ आगे मतलब अपनी पूरी योगदान देता है, मेहनती मेधावी और कर्मठ विद्यार्थी है वो। इसके साथ ही उसके अंदर एक बहुत ही एक अन्य गतिविधि है संगीत कला की, जिसके अंतर्गत वो अपने लय और ताल में बहुत ही अच्छे अपने भावों को व्यक्त करता है। इस खेलों में भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, पढ़ाई में सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं त्रिजुल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, स्कूल को भी बहुत बहुत बधाई। जिस बच्चे ने किसमें कितना दम है में बहुत ही आगे अपने फाइनल राउंड में पहुँच गया है वो, और अपनी हम आशा करते हैं कि वो वहाँ पर भी वो अपनी पूरी लय और ताल को मिलाकर अपनी क्षमता को प्रकट करेगा। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाथू में विज्ञान का अध्यापक हूँ। त्रिजल मेरा शिष्य है, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, एक मेधावी छात्र है वो, और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि जब भी उससे कुछ पूछा जाता है तो वो बिल्कुल सबसे आगे आकर उसका जवाब देता है। और दूसरी बात, वो केसियो तो अच्छा बजाता ही बजाता है, परंतु अगर हमारे स्कूल में या कक्षा में कोई और गतिविधि हो रही हो तो उसमें भी वो बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसने किसमें कितना है दम में 4 स्तर पार कर लिए हैं, मुझे बहुत खुशी है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो ग्रैंड फिनाले में भी अपना अच्छा प्रदर्शन करे और स्कूल का, अपने गांव का और अपने जिले का नाम रोशन करे। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे माता पिता का जो मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं, मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम किरण है, मैं एक अध्यापक हूँ और मेरा गांव बाथू है। ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं, बेटा मेरा जो बड़ा है त्रिजल दिलार्च है, छोटी 2 बेटियाँ जो कि जुड़वा है। मेरा बेटा शुरू से ही शौक रख रहा है गाने में बजाने में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू पर।
परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाते हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और कभी ना कभी फ्री टाइम जब भी बैठता तो कुछ ना कुछ हाथों से कुछ ना कुछ करता रहता था, जिससे कि लगता था कि ये कुछ ना कुछ इसका जो शौक है वो सिंगिंग की तरफ है या कुछ बजाने की तरफ है, साथ में कुछ गाना और कुछ बजाना, तो ऐसे कुछ करता था। तो हमें लगा कि नहीं, इसको कुछ सिखाना चाहिए। और ऐसे ही इसका जो शौक बढ़ता गया है। एक दिन KKHG की टीम जो है स्कूल में ही आई थी, तो उन्होंने इसको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और इस प्रकार से ये अपना सिंगिंग में परफॉर्मेंस दे रहा है। स्टडी में ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा है कि इसको जितने प्यार से हम, मैं क्या टीचर, जितने प्यार से इसको हैंडल करते हैं, ये उतना ही ज्यादा प्रतिभा अपनी दिखा रहा है। फर्स्ट क्लास से लेकर ये फिफ्थ क्लास तक टॉप बन रहा है, तो इसके हर विषय में ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर के आता है। पढ़ाई का इस पर कोई दबाव नहीं है, मौज मस्ती से ये पढ़ता है। घर में भी ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है कि इसको दबाव डाल के करवाया जाए, या स्कूल में भी कोई ऐसा नहीं है, तो अपनी मर्जी से करता है अपनी इच्छा से, लेकिन करता है। गेम्स में इसका बहुत ही बढ़िया जो है, कभी कभी बैडमिंटन खेलता है, बाहर खेलता है, कभी कभी ना हो इसके पास कुछ तब भी करता है, और साथ साथ में वो ही अपना गाने बजाने वाला वो बीच बीच में इसका चलता ही रहता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से रहता है। आमतौर पर बच्चों की कंप्लेंट्स होती हैं कि बच्चे झगड़ते हैं, आपस में कुछ करते हैं, ये अपनी छोटी बहनों के साथ बहुत ही अपने बढ़िया तालमेल बना कर रखता है। कहीं कहीं जाना हो तो इसको ये टेंशन हो जाती है कि भी छोटी बच्चियां हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल, मैं बड़ा हूँ, तो उनको बहुत ही प्यार से रखता है। और ये सच है, रियलिटी में भी है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से रखता है, उनके साथ खेलता है, अगर कुछ पूछना हो तो उनको हेल्प भी करवाता है, पढ़ाता है, उनके साथ मौज मस्ती करता है। बस ये ठीक है, मतलब ज़्यादा शरारती टाइप नहीं है, मतलब बहुत ही सिंसियर है, जिद्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि किसी बात के लिए ये बचपन से लेके अब तक इसने कभी जिद नहीं की कि मुझे वो चाहिए या ये चाहिए। तो ये इसकी तो स्पेशलिटी इसकी बच्चे की ना, ये शुरू से। मैं ये चाहूँगी कि मेरा बेटा त्रिजल जो फाइनल राउंड में पहुँचा है, विजेता बनकर आए और अपने गाँव का, अपने स्कूल टीचर्स का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरे पापा का नाम श्री नरेश कुमार है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती किरणा देवी है। मुझे शुरू से ही सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये ठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, तरसा कर चले
मन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। मुझे साइकिल चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। शरानी है, असी बाथू के रहने वाले हैं, ये त्रीजल मेरा पोता है, पढ़ाई लिखाई तो ठीक कर रहे करता है, अभी तो कहते भी साढ़ा भी दिल वही तो रोशन हो गया, हूँ गाने का तो बहुत शौक है। मैं परमात्मा से अरदास करती हूँ, हाँ जी मेरा पोता जित का हो। मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। सिंगिंग के अलावा मेरे बहुत से शौक है, चेस, वॉलीबॉल। मैं नरेश कुमार, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गांव बाथू का रहने वाला, मैं एक अध्यापक हूँ और त्रिजल जो है वो मेरा बेटा है। त्रिजल का जो था बचपन से ही इसका शौक था, थोड़ा ऐसे ही कई बार जो कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता था, कभी हाथों की उंगलियों को चलाता रहता था। फिर हमने जैसे इसको स्कूल में डाला तो थोड़ा इसका हाथ के जैसे मूवमेंट देखी हमने, तो इसकी एक तो इसकी कर्सिव राइटिंग जो बहुत ही अच्छी है इसकी, जो शुरू से ही इसको फर्स्ट क्लास में इतनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखता था कि इसकी सभी प्रेज करते थे। और फिर हमने धीरे धीरे देखा इसके इसका रुझान था, बच्चों को टीवी प्रोग्राम जो देखता था जो टीवी में, तो उनमें छोटे छोटे बच्चों की सिंगिंग का और इंस्ट्रूमेंट को बजाने का देखता था, तो इसका भी दिल करता था कि मैं भी ऐसा ही
कार्य करूँ। तो धीरे धीरे थोड़ा हमने इसका फिर एक स्कूल में ऐसे ही छोटा सा कंपटीशन करवाया, जो इसको बड़ा अच्छा, सभी को अच्छा लगा। तो उसके बाद इसने सिंगिंग का भी शुरू कर दिया। बड़ा कंपटीशन में कोई भी फंक्शन होता था तो सबसे पहले इसी को ही लिया जाता। और हमारे जो है प्राइमरी जहाँ पे हिमाचल में होते हैं अंडर 12 टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें जे 2 times लगातार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। स्टेट लेवल तक जे 2 बार ही गया, तो स्टेट लेवल में इसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। इसकी एकेडमिक जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमारे जो वहाँ के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे श्री सरजीत सिंह राणा जी, तो वो बहुत ही अच्छा इसको जो था केयर करते थे इसकी। हर समय इसकी कॉपी चेक करनी और हर समय इसकी वॉइस को चेक करना और इसके इंस्ट्रूमेंट को चलना, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया कि नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है कि इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। तो उन्होंने उनकी बदौलत भी, और जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं हमारे इनके जो है परमहंस आहूजा सर, जो कि इतना अच्छा बच्चे को इतने प्यार से समझाते हैं जबकि वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी बच्चों को इतने प्यार से समझाते हैं, कभी हमें भी बोल देते हैं कि आपने कभी इसको डांटना नहीं। तो ऐसे इसकी एकेडमिक थी और इंस्ट्रूमेंट की थी, और ये लगातार क्लास में अव्वल ही रहा है। चाहे कोई भी इसको वर्क दे दिया जाए पाठशाला में भी तो बड़े आराम से करता था। थोड़ा शरारती नटखट तो होता ही है, बच्चों की फितरत ही होती है, अगर बच्चे नटखट ना हो तो होता है। तो जैसा कि अब ये KKHB में आया, स्कूल में एक प्रोग्राम के तहत आए, तो इसको भी बड़ा अच्छा लगा। तो इसने मेरे को आके बताया कि ऐसे ऐसे कि पापा वो हमारे स्कूल में आए थे तो मेरे को भी जाना है। तो इसने खुद ही जो थी इसमें अपना इंटरेस्ट बताया, और बिल्कुल हमारी जो प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ता था पहले, वहाँ पे इसका बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन रहा शुरू से, और उन्होंने वाकई इसका स्टेट लेवल तक कितना अच्छा प्रदर्शन रहा, जिससे कि हमें भी खुशी होती है और वहाँ अध्यापकों को भी बहुत खुशी होती है जिन्होंने इसको तैयार करवा के साथ लेकर जाना होता है, उनको भी खुशी होती है। KKHD एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, और मैं बड़ा ही उनका धन्यवादी हूँ वरुण बंसल जी का, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो है दिन दुगनी रात चौगनी उनके काम में उन्नति करे, उनकी दीर्घ आयु करे, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से गांव से भी जो टैलेंट को निकाला है कि KKHD एक ऐसा है कि किस में कितना है दम। जो छोटे गांव में टैलेंट जो था वो दब कर रह जाता था, लेकिन इन्होंने उस टैलेंट को भी उभारा है, और उस उभारने की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी भी नहीं सोच सकते थे कि हम स्टेज के ऊपर आएंगे, हम इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, ग्रैंड फिनाले तक जाएंगे, कुछ विजेता भी रहे हैं और आगे उनको वर्क भी मिला है। तो उस टैलेंट को इतना आगे वही लेकर गए, जो एक बड़ी अच्छी सोच है उनकी कि छोटे से गांव से लेकर, चाहे गरीब का बच्चा है चाहे अमीर का है, किसी का नहीं। और इसमें ये नहीं थी उनकी कि मंशा बिल्कुल ये बच्ची नहीं है कि जो बच्चा डिजर्व करता है उसी को आगे लेके जाते हैं, ये नहीं था कि कुछ हो जाते हैं। जैसे पहले ये थे प्रोग्राम स्टेज शो थे जो बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे, गांव तक तो ये पहुंच ही नहीं थी, और इन्होंने देखो गांव तक वरुण जी ने इतना अच्छा जो है टैलेंट जो है स्टेज दिया बच्चों को, तो उसके लिए तो वरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स करता हूँ मैं वरुण सर का। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारा बच्चा है कि इसी प्रकार जैसे अब तक ये ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है कि वहाँ ग्रैंड फिनाले में भी विनर हो, क्योंकि जब कभी भी इसका प्रोग्राम होता था तो मेरा तो यही रहेगा त्रिजल का कि देखो हमारा बच्चा है, यदि ये जिंदगी में कुछ अच्छा बनता है और ग्रैंड फिनाले में ये विजेता बनता है तो ये हमारे साथ साथ हमारे गाँव का और हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन करेगा। और हमारी तो यही दुआ रहेगी, हमारी तो खाटू श्याम जी से भी यही दुआ रहेगी कि आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैंड फिनाले में विजेता बनाकर ही अब इस गांव में भेजें, ताकि ये हमारा और हमारे गांव और हमारे प्रदेश का नाम जो है सदा ऊंचा रखे। बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। नन्ना दोस्त, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया के अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते से। वे सवेरे दोनों आंखें मिलकर कार्निस के सामने पहुंच जाते थे और चिड़िया दोनों का वहाँ बैठा पाता, उनको
देखकर मैं दोनों बच्चों को न मालूम क्या जा मिलता, दूध और जलेबी की सुगंध भी न रहती थी। दोनों के दिन में तरह तरह के सवाल उठते थे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। केशव की माँ को घर पर काम धंधों से फुर्सत। आज मेरा नाम बलविंदर सिंह जी, बाथू गांव का रहने वाला हूँ जी। त्रेजल मेरे फ्रेंड का बेटा है, नरेश कुमार जी का। सिंगिंग के लिए बहुत अच्छा गाता है ये बेटा, और जब कभी इसके पिताजी इसको नहीं ले जाते थे पॉइंट पे, तो इनको मैं लेके जाता था, क्योंकि सर्विस कर रहे हैं ये, तो कई बार समय नहीं मिलता है, तो मैक्सिमम तो मैं ही जाता था इसको ले जाकर ना। स्टडी में बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है भाई, सिंगिंग में भी अच्छा है। नेचर बढ़िया है, बच्चे थोड़ा चलो शरारती होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है फिर भी काफ़ी हद तक ना, जो कहे मानता है बाप। हाँ, ये तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाए, क्योंकि हमारे गांव का नाम ऊंचा होगा और बच्चे का भी स्टारडम चमकेगा, ये तो मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है, और ये इस बात पे बिल्कुल अच्छा उतरेगा। Myself प्रोफेसर परमहंस आहूजा, मैं यहाँ पे बच्चों को संगीत शिक्षण दे रहा हूँ सुरसागर कला निकेतन नाम के संस्थान से। इससे पहले मैं कॉलेज से एज प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ। ये त्रिजल बच्चा है, मेरे पास सीखता है, तो काफ़ी अच्छी है, इसकी कैचिंग पावर ठीक है, मेहनती है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि आवाज़ गॉड गिफ्टेड हम नहीं कह सकते, इसकी अपनी साधना से ही इसने आवाज़ तैयार की है, तो जैसे जो भी मैं लेसन देता हूँ तो ये प्रिपेयर करता है, घर जाके मेहनत करता है। इसके पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल है, इसको लेके आते हैं, इतनी दूर से मेरे पास आता है, वो साथ आते हैं, वो लेके आते हैं फिर इसको, तो काफ़ी ठीक है। वैसे भी बच्चा डिसिप्लिनड है, मतलब शरारती भी नहीं है, जैसे एज के हिसाब से बच्चे शरारती होते हैं, तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि अच्छा राइज कर जाएगा अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूसली मेहनत करता रहा तो अच्छा है। बाकी राग वगैरह इसने सीखे हैं काफ़ी, क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी ले रहा है, एज वेल लाइट म्यूज़िक भी, जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं या डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, वो काफ़ी अपनी तरफ से कर रहा है मेहनत, तो आई होप के अच्छा कर जाएगा। आई विश हिम गुड लक। लिखना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, रीडिंग राइटिंग का भी बहुत शौक है। जब मैं अपने घर पर फ्री होता हूँ तब मैं अपनी बहनों के साथ खेलता हूँ।
भी चलाता हूँ। फिर मैं थोड़ा टाइम टीवी देखता हूँ और मैं अपनी बहनों के साथ खेलता हूँ। हम खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर मैं अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करता हूँ और अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। पूजा करने का भी मेरा बहुत शौक है। मुझे दोस्तों के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे गाड़ियों का भी बहुत शौक है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो मैं पापा को बोलता हूँ गाड़ी मैंने चलानी है। सिंगिंग का शौक मुझे टीवी और मोबाइल के साथ हुआ। जब भी मैं टीवी में कोई रियलिटी शो देखता था तो उसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाते थे। मेरा भी दिल किया क्यों ना मैं भी सिंगिंग करूँ। और फिर जब भी हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन या कोई कंपटीशन होता था मैं हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करता था। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था उसमें मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के कंपटीशन भी हुए थे वहां पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और हमारे स्कूल में इंस्ट्रूमेंट के भी कंपटीशन हुए थे तब भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और हमारे स्कूल में तब भी मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट लिया था। इस तरह मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया। और फिर KKHD की टीम एक दिन हमारे स्कूल में आई। उन्होंने हमें बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे शो कर सकता है। फिर मैंने KKHD में पार्टिसिपेट किया। दो राउंड मेरे कांगड़ में हुए, थर्ड राउंड मेरा पंडोका में हुआ, फोर्थ राउंड मेरा बाथू में हुआ। इस तरह मैंने चारों राउंड क्लियर किए और मैं फाइनल में पहुंच गया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ फाइनल जीत के आऊँ, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का, KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।